नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। और हम बताना चाहेंगे, आज इस बातचीत करेंगे कि सस्पेंशन, दलेर सिंह का जो सस्पेंशन प्राइमरी स्कूल दरीधार को लेकर के बातचीत करेंगे कि सस्पेंशन का मतलब क्या होता है और सस्पेंशन क्या चीज़ होती है, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। एक हमारे साथ सोशल वर्कर हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे कि उनसे ही बातचीत कर पता करेंगे कि आखिर सस्पेंशन होता क्या है और सस्पेंशन के लिए क्या फैसिलिटी होती है। क्या वो कोई पनिशमेंट है या कोई सिर्फ एक डराने के लिए और सिर्फ एक मुलाजिम को, या अपने क्या करने के लिए, इनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी। हेलो हेलो, आप सभी जी, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और शुक्रिया है कि आपने टाइम दिया। धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि सभी जी कल हमने आपको लाइन पे लेना था, लेकिन मैच को लेते हुए मजा नहीं रखते हुए मैच तो हार गया इंडिया, पर यहाँ पे पहाड़ी लोग भी हमारे हार रहे हैं। तो आप बताएंगे कि जो दलेर सिंह की जो केस आपने हिस्ट्री देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, कि ये सस्पेंशन करके उसको अटैच कर दिया है डीसी रियासी के अंदर, तो बताएंगे ये क्या ये सही किया, क्या पनिशमेंट है, क्या है सस्पेंशन? देखिए सर, जो दलेर सिंह का हालत की वजह से जो हम देख सकते हैं, जो वहां पर लोग बता रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि सस्पेंशन कोई बड़ी कार्रवाई है। सस्पेंशन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं है। इस बंदे को अगर ये डिफॉल्टर है, अगर ये ड्रिंक करके स्कूल में जाता है, तो मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन को इसको देखना चाहिए कि ये टर्मिनेट के लायक है। सस्पेंशन इज नॉट अ पनिशमेंट, क्योंकि टीचर एक कितना प्यारा नाम है, जो एक बड़े से बड़ा जैसे चीफ जस्टिस है, उसके पीछे भी एक टीचर का रोल होता है। लेकिन एक टीचर ही अगर बच्चों के सामने वो चीज करे जो सोसाइटी में एक गलत मैसेज जाए, तो उसको सस्पेंड करते हैं। ये दिखावा है। अच्छा, ये दिखावा है। सस्पेंड किया उसको, ये एक दिखावा है। एफआईआर क्यों नहीं लगी? नहीं, एफआईआर हुई है, एफआईआर हुई है, इतकासा हुआ है 510 का। सर 510 का क्यों हुआ? 510 का आप जानते हो 510 के बारे में, आईपीसी 510 के बारे में? सर जहां तक मुझे नॉलेज है, मैंने ये सुना कि 510 इसमें कोई तहसीलदार इसकी इंक्वायरी करेगा। बिल्कुल 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 सही बोला, तहसीलदार ट्रायल करेगा और 510 के अंदर 24 घंटे जहां ₹5 जुर्माना है इसके अंदर। नहीं सर, ये गलत बात है। जहाँ 24 घंटे इसको रेस्ट कर दिया जाएगा, जहाँ ₹5 जुर्माना होगा, ये है उसमें रूल के अंदर। सर ये एक दिखावा है। ये एक दिखावा है। 510 में ₹5 या ₹10 जुर्माना करने से ये जो उसने बड़ा एक मैसेज, गलत मैसेज सोसाइटी के अंदर जाया है, और उन बच्चों की मुझे तो चिंता ये है, उन बच्चों के लिए क्या सोच रही है एडमिनिस्ट्रेशन। और सस्पेंड करना दिखावा है। मैं यही कहूंगा कि दलेर सिंह को दिखावा मिलेगा, जस्ट लाइक दिखावा भी इस तरह से है कि 3 महीने या 6 महीने 50% सैलरी मिलेगा, उसके बाद 75% सैलरी मिलेगा और वो काम धाम तो कुछ करेगा नहीं। और जैसे ही ये जनता हमारी सभी कह रहे हैं कि जैसे ही सीओ मैडम, तो चलो ये प्रेशर आया डीसी ने सर का, तो सीओ मैडम ने सस्पेंशन ऑर्डर निकाल दिए। नहीं तो सीओ मैडम तो कुछ ना निकाले ऑर्डर के, आपको इसके आप जानते हो सीओ मैडम इसके ऊपर कार्रवाई करती सर? वीडियो वायरल दिखने को तो मिला ही नहीं कुछ। दूसरी बात रही कि अगर वो 50% सैलरी देगा, वो उसका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि उसके बच्चे होंगे, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो उसने काम किया, गलत काम किया, मैसेज किया, वायरल किया, ये तो पीएसए के लायक है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट। मैं मुझे तो उम्मीद है हमारे विशेष पाल महाजन जो आए हैं वो इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे आने वाले दिनों में। अदरवाइज हम तो सेटिस्फाइड नहीं है कि उनको सस्पेंड कर दिया और अटैच डीसी ऑफिस में कर दिया। क्या करना है उसको डीसी ऑफिस लेके? क्या उस दलेर सिंह के बिना वो डीसी का दफ्तर नहीं चलता है? जो बंदा शराब पी के अंदर बेड लगा के सो जाता है, उसके लिए खाली सस्पेंड ही बड़ी कार्रवाई है।
नहीं, एक रिपोर्ट और आ रही थी, आपने वीडियो में देखा होगा क्योंकि 6 महीने से वो नहीं आया था। तो शफीक जी, सर ये जो बायोमेट्रिक उसकी लग कहाँ रही है? सबसे पहले मैं यही पूछूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से। बायोमेट्रिक स्कैम भी तगड़ा चल रहा है टीचर घर में बैठे नहीं तो और क्या है। मैं यही कहूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के DM विशेष पाल महाजन को कहूंगा कि अगर आप कार्रवाई करें, आप बहुत लाइक अफसर हैं, हमें खुशी है कि हमें एक अच्छा DC मिला है, लेकिन टीचरों के अंदर खासकर तहसील मोहर के अंदर अगर छापा डाले, जैसे जो हमारे विशेष पाल महाजन जी छापा डालते हैं, मैं कहता हूं 10 टीचर ऐसे होंगे जो सैलरी लेते हैं और सैलरी लेते हैं 4,000 रुपए में सैलरी में टीचर रखे हुए हैं स्कूलों में, मतलब ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, ये भी लोगों का कहना है, ये क्या सही बात है गलत है? बिल्कुल सही बात है। अगर इसमें एक इंडिपेंडेंट मतलब इंक्वायरी बिठाई जाए और ये लोग सामने आएंगे कि कौन एक टीचर है जो कभी कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है, कभी सरपंच बनता है, कभी पॉलिटिक्स का काम करता है, कभी नंबरदार का काम करता है, क्या ये बायोमेट्रिक स्कैम जो चल रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस पे कौन जिम्मेवार है और कौन इस पे एक्शन करेगा? करोड़ों रुपए बायोमेट्रिक में खर्चा हो चुका है, लेकिन ऑन ग्राउंड में उसकी जो रिपोर्ट है वो बहुत नेगेटिव है। बिल्कुल सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना लेजी है, इतना सुस्त है, इतना शोषण करता है बच्चों के साथ, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। स्कूलों में पहाड़ी एरिया में तो बच्चे को ABC नहीं आ रहा है, वो इसके लिए क्या कहेंगे आपके, वो जो सोशल वर्कर हो आप क्या कहोगे, जो उनके पेरेंट गलत हैं कि एजुकेशन गलत है कि टीचर गलत है, सर ये बताया थोड़ा। सर पेरेंट को सिर्फ ड्यूटी ये है कि बच्चों को स्कूल भेजना, पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि उनको कॉपी पेंसिल देना, टाइम पे स्कूल भेजना, वर्दी देना, ये पेरेंट्स का काम है, बाकी ABCD ये तो टीचर का काम है ना, ये टीचर का काम है, टीचर कैसे पढ़ाता है उनको और कितनी एवरेज निकालता है, बच्चों को कितना अपग्रेड करता है, इंक्रीज होता है बच्चा, डिक्रीज होता है, नोट लिखते हैं ये पेरेंट्स को कि तुम्हारा बच्चा ढीला है, आप मीटिंग करेंगे क्या आप स्कूलों में, प्राइवेट जो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है उनमें मीटिंग होती है पेरेंट के साथ, आपका बच्चा क्या कर रहा है? कुछ नहीं। नहीं शमी जी, एक बात और है, चलो मान लिए, लेकिन जिम्मेवारी किसकी है, ओवरऑल जिम्मेवारी किसकी है, DDC, BDC, सरपंच, पेरेंट्स? सर मुक्ते बात खत्म करिए कि क्या क्या किसकी जिम्मेवारी है, कौन डिफॉल्टर है ये, क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट है? डिफॉल्टर तो मैं तो यही कहूंगा, डिफॉल्टर इसमें CO मैम है और डिफॉल्टर इसमें एजुकेशन डायरेक्टर है जो कार्रवाई नहीं करता है, जो इन चीजों को देखता ही नहीं है। जैसे कि अभी जैसे एक सस्पेंड किया है, तो ये हमारे सोर्स कह रहे थे कि भाई ऐसा है कि सस्पेंड का मतलब कि 5 महीने 6 महीने 50% 75% 6 महीने के बाद से CO मैडम चला गया, दूसरा CO आएगा तो जो 25% भी होगी तो वो शेयर हो जाना है आपस में और बंदे को बहाल हो जाना है, और जो एरिया के जिन्होंने कंप्लेंट किया उसको भी सुस्त हो जाना, उसको पता नहीं लगना है कि दलेर सिंह जी कहाँ गए, टीचर Grade 1 कहाँ चले गए, वो कहीं दूसरे स्कूल में चले गए और केस क्लोज फाइल और जैसे थे फिर शुरू हो जाती है कार्रवाई, क्या बात सही है गलत है? बिल्कुल सोर्स हमारे ये जो कह रहे हैं उनको पता है, उनको पता है कि ये एक दिखावा है, मैंने पहले भी आपको कहा कि ये एक दिखावा है लोगों को कि हमने दलेर सिंह को सस्पेंड किया, भाई क्यों सस्पेंड किया, टर्मिनेट क्यों नहीं हुआ? अगर वो ड्रग्स का इस्तेमाल बच्चों के सामने करता है तो PSA चलो फर्स्ट आल तो सस्पेंड ही करते हैं, लेकिन टर्मिनेट तो चलो वो तो 2-4 महीने 2-3 महीने इंक्वायरी में लग जाता है यार, तो वो तो बात सही है ना, हम वो ये नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं होगा उसका, जब FIR लगा तो 510 आया, उसमें 24 घंटे की सजा है और 5 रुपये जुर्माना है, तो इसी तरह से ही करके CO मैडम ने भी उसको वार्निंग वूनी देख के छोड़ देना है, फिर कहीं जगह पोस्ट कर देना है। चलिए शुक्रिया जनाब, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया जनाब। ये थे हमारे साथ शफीक जी, और जो सोशल वर्कर थे वो लाइन पे थे, चलिए उन्होंने भी बड़ी अच्छी रखा, और हमारा भी यही मुद्दा है कि प्लीज़ हम DC सर से रिक्वेस्ट करना चाहेगा पहाड़ी ऑन बिहाफ ऑफ पहाड़ी लोगों के, कि प्लीज़ सर वहाँ पे एक टीम गठित किया जाए, स्कूलों का बच्चों का इंटरव्यू लिया जाए और उस स्कूलों का एजुकेशन स्टैंडर्ड क्या है, और इसको लेकर के हम लोग ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। हमारी जो चैनल है और पहाड़ी लोगों के जो चैनल है,
हम लोग आप लोगों का वीडियो हमारे पास आती रहेंगी और हम उस एरिया की आप लोगों के पास शेयर करते रहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन आगे कार्रवाई करते रहेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अब डीसी सर हैं जो वो स्कूल टू स्कूल जा नहीं सकते हैं। हम तो लोग तो यही कह रहे हैं कि टीम तैयार कर दी जाए, टीम तैयार करने के बाद उस एरिया हर स्कूल के हर बच्चों का इंटरव्यू लिया जाए और बच्चों का टेस्ट लिया जाए कि उस स्कूल का स्टैंडर्ड क्या है और एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या है पहाड़ी एरिया के लिए। चलिए सर, करते हैं नहीं करते हैं डीसी सर, या सीओ मैडम में तो किसी को विश्वास है नहीं, क्योंकि वो तो चुपचाप करके जब से आई है तो किसी इलाके में टूर नहीं किया है, अभी तक हमें तो कोई वीडियो शेयर किया नहीं, लेकिन हो सकता है इक्का दुक्का किया होगा, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। चलिए आप अपना राय कमेंट रखना ना भूले और शेयर करना ना भूले। कैमरामैन के साथ बीएस राज को दे इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद।